हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तीन तरह की चटनी। इसे आप समोसे, टिक्की, दही पल्ले, चाट पापड़ी, तंदूरी पनीर टिक्का, सैलड और सभी स्नैक्स के साथ आप खा सकते हो। साथ ही बताऊंगा आपको पनीर पकौड़ा के अंदर फिल होने वाली हरी चटनी और सैंडविच के ऊपर लगने वाली हरी कराई चटनी की रेसिपी। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हरी करारी चटनी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी ताजा हरा धनिया और 1 कटोरी ताजा पुदीने के पत्ते। इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया है और इसके साथ ही 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक के पीस की कटिंग, 1 नींबू और 3 चम्मच मूंगफली के दाने। इसका छिलका उतार के आपने इसे यूज करना है। अब मिक्सी के जार में हरा धनिया और साथ ही इसमें हरा पुदीना, अब इसमें हरी मिर्च को तोड़कर इसमें डाल दें और साथ ही अदरक के पीस और ऊपर से मूंगफली के दाने और 1 नींबू को इसमें निचोड़ दें। अब नींबू के बाद इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच काला नमक और साथ ही 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच इसमें चीनी डलेगी और थोड़ा सा इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा इसमें पानी को डालकर मिक्सी का ढक्कन हम बंद कर देंगे। इसे हमने दरदरा सा पेस्ट बनाना है। अब ये बन चुकी है हरी करारी चटनी। इसे पनीर के अंदर लगाकर आप पनीर पकौड़ा बना सकते हो, सैंडविच के ऊपर लगाकर आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब इसी चटनी से हम बनाएंगे दूसरी हरी दही वाली करारी चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 3 बड़े चम्मच गाढ़ा दही डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसे हमने विक्स से मिक्स करना है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हरी चटनी जो हमने तैयार किया है वो इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। 3 चम्मच दही 2 चम्मच हरी चटनी की रेशो ही हमने इसमें रखनी है। थोड़ा सा चटनी का कलर डार्क करने के लिए इसमें आप हरी चटनी और डाल सकते हो। अब इसमें 1 नींबू को निचोड़ दें, 1/4 चाट मसाला, थोड़ा सा इसमें काला नमक और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा वाइट साल्ट और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर इसमें डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बनकर रेडी है हमारी दूसरी दही वाली हरी करारी चटनी। इसे आप तंदूरी स्नैक्स के साथ, दही वल्ले, टिक्की समोसा, किसी के साथ भी, इवन सैलड के साथ भी इसे खा सकते हो। दही वाली करारी चटनी रेस्टोरेंट्स और होटल्स में काफी यूज होती है। इसे आप घर पर जरूर ट्राई करें। अब हम बनाते हैं गुड़ और इमली की लाल मीठी चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम इमली। ये मैंने बीज वाली इमली यूज की है। अब इसे बड़े से बाउल में डालकर इसे गर्म पानी में डालकर इसे कम से कम 1 घंटे के लिए हमने भिगोकर रख देना है। इसे बनाने के लिए साथ ही हमें चाहिए होगा अच्छी क्वालिटी का गुड़। ये मैंने लिया है 500 ग्राम गुड़। आप गुड़ की जगह गुड़ की शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब गुड़ के साथ हमें चाहिए होगी चीनी। ये मैंने ली है 250 ग्राम के करीब। 500 ग्राम इमली में 500 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम चीनी डलेगी। अब भिगोकर रखी हुई इमली में से बीज और इमली की डंडियां इसको हम अलग कर लेंगे। मीठी चटनी को बनाने के लिए आप सीडलेस इमली भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आप काली या लाल रंग की इमली, किसी भी तरह की आप इमली यूज कर सकते हो। अब हमने इसमें से बीज और डंडियां निकाल ली हैं। ये फ्रेश पल्प हमारे पास बनकर रेडी है। अब हाई फ्लेम में कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल दें और इसे गर्म कर लें। फिर इसमें 1/2 चम्मच साबा जीरा डालकर इसे लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। अब लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें इमली का पल्प को छानकर इसमें डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इमली के पल्प को थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे और इसका जो वेस्टेज है वो हम निकाल लेंगे।
ये देखिए सारी वेस्टेज और सीड हमने इस पल्प में से निकाल लिए हैं। अब इसे अच्छी तरह उबाला आने तक गर्म कर लें। इससे इमली का कच्चापन दूर हो जाएगा और आप इस इमली को खट्टे पल्प को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले आधा चम्मच अदरक का पाउडर, एक चम्मच सौंफ का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही इसमें डालेगा आधा चम्मच ब्लैक साल्ट और आधा चम्मच वाइट साल्ट और इसके साथ ही एक चम्मच चाट मसाला इसमें डाल दें। अब इसके साथ ही इसमें हम गुड़ को डाल देंगे और साथ ही चीनी भी इसमें ऐड कर लेंगे। आप गुड़ की जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हो इसमें। अब इसमें गुड़ और चीनी को डालकर हमने अच्छी तरह से पकाना है। इसे पकाने से ये इमली को आप काफी लंबे समय तक आप स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब जो इसके ऊपर चीनी और गुड़ की झाग आ रही है हमने इसे इमली में से बाहर निकाल देना है। इससे इमली का कलर भी काफी अच्छा आएगा और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकोगे। ये देखिए काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। इसे बनाने के लिए मैंने कोई कलर नहीं यूज किया है और ना ही इसमें मैंने कोई अरारोट या कॉर्नफ्लोर इसमें डाला है। ये बनकर तैयार है गुड़ और इमली की मीठी लाल चटनी। इसे अब आप ठंडा होने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए रख दें। इससे ये गाढ़ी हो जाएगी। इसमें आप ऑरेंज रेड कलर भी डाल सकते हो लेकिन ये ऑप्शनल है। इसे आप फ्रिज में 6 महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। हरी करारी चटनी, दही वाली चटनी और लाल मीठी चटनी ये बनकर रेडी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन वाले बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें स्वस्थ रहें।